मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंबई में बंदूक के नोक पर रंगदारी में अपना धाक जमाने वाले पिस्टल के साथ बंटी और बबली को कांदेवली पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कांदेवली पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बंटी और बबली कांदेवली इलाके में पिस्टल के साथ आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोनों को पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि बंटी और बबली पिस्टल के दम पर कांदेवली और आसपास के इलाकों में रंगदारी के लिए अपना धाक जमाने वाले थे। पुलिस की माने तो पकड़े गए बंटी बबली के खिलाफ मुंबई के चारकोप और मालवानी मलाड और कांदेवली पुलिस स्टेशनों में चोरी छिनौती जबरन वसूली के साथ और भी कई गंभीर मामले दर्ज। पकड़े गए बंटी का नाम है आजम शेर मोहम्मद खान उर्फ बंटी, इसकी उम्र 28 वर्ष है, जबकि बबली का नाम श्वेता सूर्यकांत लाड़ उर्फ बबली है, इसकी उम्र 24 वर्ष है। बंटी के खिलाफ मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी गर्लफ्रेंड बबली के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले में पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र धीवार ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। इसमें जो दो अभियुक्त है, एक महिला अभियुक्त है श्वेता सूर्यकांत लाड़ और दूसरा जो है वो आलम शेर मोहम्मद खान, ये दोनों भी कांदेवली एरिया के नामचीन गुनहगार है। आलम खान के ऊपर इसके पहले कांदेवली चारकोप और MHB पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 10 से 12 मामले दर्ज हो चुके हैं, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी हो चुका है। और ये श्वेता जो है उसके ऊपर भी कांदेवली पुलिस स्टेशन में इसके पहले 3 केसेस है। एक एरिया में ये लोग हथियार के साथ घूम रहे ऐसा इन्फॉर्मेशन कांदेवली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर सूर्यकांत पवार को मिला था। ये वाकया है 9 तारीख के रात का। जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिला, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुपीरियर ऑफिसर्स सीनियर PI दिनकर जाधव कांदेवली पुलिस स्टेशन, मैं ACP शैलेंद्र दीवार और DCP सर विशाल ठाकुर साहब और हमारे एडिशनल CP वीरेंद्र मिश्रा साहब से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और वरिष्ठों के प्लानिंग के हिसाब से डिटेक्शन ऑफिसर और एक टीम बनाकर लालजीपाड़ा एरिया में हमने जो ट्रैप लगाया था, वो ट्रैप में दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक देसी बनावट का पिस्तल और 2 लाइव राउंड्स मिले हैं। उनके ऊपर RMAT के तहत मामला दर्ज हो चुका है। ये दोनों कौन हैं और इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके पहले भी कुछ केसेस दर्ज है इनके खिलाफ? ये दोनों भी लोकल क्रिमिनल्स हैं और इसके पहले इनके ऊपर रॉबरी, HBT और थेफ्ट के गुने दाखिल हैं।